स्टार्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ अनुष्का नामदेव। आज हम बात करेंगे कैसे खिलाड़ी की जिसे आईपीएल के 14वें सीजन में सभी फैंस बहुत मिस करने जा रहे हैं। जी हां, वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो सर्जरी के कारण इस बार आईपीएल 14वें सीजन में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। मैं बात कर रही हूँ दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर। जी हाँ, जो 23 मार्च को ODI मैच में यानी कि पहले मैच में 8वें ओवर पर शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी चल रही थी और जॉनी बेयरस्टो के शॉट को रोकने के लिए उन्होंने जो डाइव लगाई उससे उनके कंधे पर दबाव आने के कारण उनके कंधे चोटिल हो गए, जिसके कारण वो दर्द से तड़पने लगे और उन्हें सलाह दी गई कि उनकी सर्जरी होगी। देखिए, आपको बता दें कि कंधे की चोट इतनी गहरी थी कि उनकी उनको सर्जरी की सलाह दी गई और हाल ही में उनकी सर्जरी 8 अप्रैल को कंप्लीट हो गई है, जिसको लेकर उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो शेयर करी है। पहले दिन उन्होंने अपना आउटफिट बताया था जिसमें उन्होंने अस्पताल के कपड़े पहने हुए थे और अगले दिन आईपीएल के एक दिन पहले उनकी सर्जरी हुई, जिसमें उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो शेयर करते हुए बताया है कि उनकी सर्जरी सफलता से कंप्लीट हो गई है और आप सभी की दुआएं से वो सबको धन्यवाद करते हैं और वो जल्द ही वापस लौटेंगे मैदान में। लेकिन आपको बता दें कि आईपीएल के 14वें सीजन में हमारी दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर अब आईपीएल के मैदान में अपने चौके छक्के दिखाते हुए नजर नहीं आएंगे। जी, सर्जरी के बाद उनको जो है 3-4 महीने का बेड रेस्ट दिया है, प्रॉपर रेस्ट दिया है। चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें सलाह दी गई थी कि वो प्रॉपर रेस्ट करेंगे। देखिए, दिल्ली कैपिटल्स के जो कप्तान है, इनकी कप्तानी यानी कि इनकी जो बल्लेबाजी जिसमें ये चौके छक्के जड़ते थे, इनका पुराना सीजन देखा जाए जिसमें इनकी जो टीम थी वो फाइनल्स तक पहुंची थी। जी हाँ, ये जो सफलता पाई थी वो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर की वजह से पाई थी, जिसमें उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी थी और अब इस बार आईपीएल के 14वें सीजन में सभी फैंस उनको बहुत मिस कर रहे हैं, उनके शॉट्स मिस कर रहे हैं। हालांकि डरने की बात नहीं है क्योंकि उनकी कप्तानी एक ऐसे खिलाड़ी को सौंपी गई है जो विकेट कीपर बल्लेबाज है, जिन्होंने ODI सीरीज और T20 सीरीज में अपना ताबड़तोड़ प्रदर्शन दिखाया था। जी हाँ, ऋषभ पंत को उनकी कप्तानी सौंपी गई है। अब देखना यह है कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी जो ऋषभ पंत को सौंपी गई है, उनकी गैर मौजूदगी में ऋषभ पंत जो है अपनी टीम को कैसे संभालते हैं और उनकी टीम कैसा परफॉर्म करती है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर को इस बार आईपीएल के 14वें सीजन में कितना मिस कर रहे हैं। साथ ही साथ ऋषभ पंत के लिए भी जरूर अपनी राय से हमें अवगत जरूर कराएं। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।